हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। एस बैंक क्लर्क मेन 2020 का एग्जाम और हुए काफ़ी टाइम हो गए, रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो इस पर एक वीडियो पहले अपलोड हुआ था जब ये एग्जाम हुई थी अक्टूबर में, और उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि एक रिवाइज इस पर और डालेंगे जिस तरह के कमेंट्स आपके मिलेंगे, क्योंकि जो एनालाइज करते हैं या जिस बेस पे प्रेडिक्शन करते हैं वो बहुत कम लोगों के उसमें कमेंट्स होते हैं, और फिर जो वीडियो अपलोड हुआ उस पर फिर आप लोगों के और कमेंट मिले, तो उन्हीं को सभी को मिक्स करके फिर एक जो कंक्लूजन निकला वो वीडियो ये है। और आज इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड हुआ इसी को लेके, लेकिन उसमें एक बेसिक गलती होगी शिफ्ट वन और शिफ्ट टू को लेके, सिली मिस्टेक थी, टंग स्लिप हुई, और वो जो शिफ्ट सेकेंड जो टफ थी उसकी बजाय फर्स्ट शिफ्ट को बता दिया गया, तो उसी के रेक्टिफिकेशन में फिर ये दूसरा वीडियो अपलोड करना पड़ा। तो अगर अपने इसका देखें भाई, कोई किसी भी प्रेडिक्शन के लिए आपको कुछ प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स देखने होते हैं, वैकेंसीज में क्या कम ज़्यादा हुई, जो पेपर का लेवल था वो कितना आसान या मुश्किल हुआ, जो कॉम्पिटिशन था वो कितना ज़्यादा बढ़ा या घटा, तो आप कंपटीशन तो आप ये मानिए वैकेंसीज में कोई बड़ा कमी या पर्टिकुलर स्टेट्स में तो चेंज है, बट ओवरऑल कोई बड़ा चेंज वैकेंसीज में नहीं है। और दूसरा अगर आप देखें कंपटीशन वाइज देखें तो ड्यू टू कोविड आपके काफ़ी जो क्लासेज हैं इसके जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे वो सभी बंद रही है, ऑब्वियस है कॉम्पिटिशन कुछ ना कुछ गिरा है, ड्यू टू कोविड भी आप लोगों ने काफ़ी ने हाफ हर्टेड प्रिपेरेशन की है तो उससे भी गिरा है, तो बढ़ने का कोई प्रेशर नहीं पैदा नहीं होता। एग्जाम के लेवल का अगर अपने देखें तो एग्जाम में दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट की बजाय सेकंड शिफ्ट आपकी टफ हुई, राइट। तो अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट को मोर और लेस लास्ट ईयर का लेवल माने तो सेकेंड शिफ्ट का लेवल 4 to 5 मार्क्स अप हो गया, राइट। तो उनको ये वो ये मान के चले कि उनको उतना बोनस मिल जाएगा, ये प्रिडिक्शन है। अब देखें इसमें लास्ट ईयर के ट्रेंड या इस साल के जो प्री के ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको 3 जोन में बांटा है, हायर जोन, एवरेज जोन और लोअर जोन। एसबीआई 2020 जिसकी अपने क्लर्क मेन की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें अगर आप देखें तो एसबीआई क्लर्क मेन में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को हायर जोन में रखा गया। आप इस पे देखिए एक जनरल ट्रेंड भी, अदर देन झारखंड जो स्टेट्स है वो ऊपर की तरफ ही रहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली अब की बार इनमें सीट्स का रिडक्शन भी है, प्लस सिर्फ एक हिमाचल प्रदेश ही ऐसा है जिसमें सीटों में बढ़ोतरी हुई है, बाकी इनमें सभी में गिरावट है। झारखंड इसलिए इसमें आ गया क्योंकि झारखंड में लास्ट ईयर की बजाय इस साल सिर्फ 20% ही सीट बची है, मतलब इतना रिडक्शन हो गया, इसलिए ये भी अपर में आ गया, अपर जोन में आ गया। और लास्ट ईयर का आप अपर जोन देखें तो 98 to 103.25 तक था, तो ये अपने यहाँ इस बार 95 से 100 तक मान के चल रहे हैं कि 95 से 100 के बीच में ये जोन रहना चाहिए। दूसरा आपका जो एवरेज जोन है यूपी, केरला, राजस्थान, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इसमें अगर देखें तेलंगाना और तमिलनाडु, इसमें यूपी में आई थिंक 25% का सीटों का रिडक्शन जरूर है, बाकी बिहार में 100% अप है, बिहार अप है 100%, यूपी 25% डाउन है। और इसके अलावा अगर अपने उड़ीसा देखें तो उड़ीसा भी 20 से 25% अप है, तो और बाकी जो स्टेट्स हैं वो विद इन 10% है, किसी में कम होगी किसी में ज़्यादा होगी। तो जो एवरेज जोन की पॉसिबिलिटी लग रही है जिसको अपने 90 to 95 मार्क्स से मान के चल रहे हैं वो आपका ये वाला जोन है जो एवरेज जोन है, राइट। भाई लास्ट ईयर अगर इसको आप देखें तो ये 94 से 97 तक था, राइट। और जो लोअर जोन है जिसमें अपने महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में सीटों में बढ़ोतरी है, आसाम में सीटों में अच्छी खासी गिरावट है, लेकिन इसका ट्रेंड हमेशा महाराष्ट्र और कर्नाटक में माइल्ड चेंज है, आई थिंक है तो नेगेटिव बट है वो 10% के अंदर, तो उससे बड़ा चेंज नहीं आता है, लेकिन ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आसाम हमेशा ही लोअर जोन में रहते हैं और ये इस बार भी आपको लोअर में ही नजर आएंगे, 80 to 80 से लेके 90 तक इनका ट्रेंड रहना चाहिए। ये सब जो अभी तक मैंने बताया ये मेरा प्रेडिक्शन है जनरल कैटेगरी के लिए, राइट। तो अब अपने अगर इनका देखें
SC ST OBC EWS का, तो इसके लिए भी थोड़ा सा आपने प्रीवियस ट्रेंड देखें। प्रीवियस ट्रेंड देखें तो इसमें ये देखिए 2019 के जितने स्टेट का मिल पाया उनका है, राइट। तो अगर इसमें कैटेगरी का आपने देखें तो कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन की जो कैटेगरी है और ST की कैटेगरी है, ये तो ये मान के चलिए कि जो भी बच्चा अपना ज्यादातर स्टेट्स के लिए कि जो जनरल जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ आई थिंक 20% की सॉरी 30% की इसमें है, 60 मार्क्स की, 60 मार्क्स के राइडर को जो भी क्लियर कर रहा है आई थिंक वो एक्स सर्विसमैन और ST में तो मोर ऑर लेस सेफ। इसी तरीके से अगर SC का मैं देखूं तो SC में भी जो भी बच्चा अराउंड 70 स्कोर कर रहा है वो ज्यादातर स्टेट में सेफ, और कुछ स्टेट में तो आपका 65 तक भी वो सेफ है। EW क्योंकि इस साल क्वांटो रीजनिंग का जो पेपर का लेवल है स्पेसिफिकली अगर मैं सिर्फ 2 का कहूं तो काफी अच्छा लेवल था, तो जनरल कैटेगरी में बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर उतना अच्छा नहीं हो पाया। EWS और OBC का मोर और लेस एक जैसा सा है, और ये मान के चलें कि जनरल की जो ज्यादातर स्टेट के लिए ये उनसे -10 के आसपास आप कर लीजिए, -10 के आसपास, मतलब ये एग्जैक्ट तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन फिर भी 5-10 आपको हर स्टेट में रिडक्शन इसमें मिलेगा, कुछ में 10 से ज्यादा भी मिल जाएगा। तो 8-10 नंबर का तो आप ये मान के चलिए कि आपको इसमें एज रहेगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की वजह से कुछ, और एससी एसटी और एक्सर्विस एसटी और एक्सर्विसमैन के लिए तो काफी बड़ी वो है रिबेट। आप विंडो अगर देखें तो आप देखिए 60 वाले भी जो एक्सर्विसमैन हुए वो 60 वाले भी ने भी क्रेक किया, और आप यहां देखें तो 102.75 और आई थिंक हरियाणा या हिमाचल का इससे भी 103 पॉइंट कुछ था, तो 103 और 60 40 और 43 मार्क्स का 43 मार्क्स आउट ऑफ 200 तक की बड़ी विंडो रही है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को भी एनालाइज अकॉर्डिंग टू स्टेट भी फिर उसमें कर लें। ये एक प्रेडिक्शन एक आपका एक सिंपल स्टेटिक्स टाइप होता है कि भी लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी पेपर का लेवल जैसा भी आप लोगों ने फीडबैक दिया कितना वैकेंसी में अप और डाउन हुआ उन सब को उन्हीं सभी का जोड़ बाकी करके एक सिंपल स्टेटिक्स है, उसके अकॉर्डिंग अपने इनको एनालाइज इस तरीके से करते हैं। सो अगर किसी बच्चे को ये पसंद नहीं भी आए तो वो अपना कमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट्स और वो अपनी जो भी ग्रीवेंसीज है वो बता सकता है। एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि अपने क्वांट और रीजनिंग के क्वांट और रीजनिंग की रेगुलर क्लासेज अभी चल रही है जिसमें प्री और मेन दोनों के लिए, प्री भी है मेन भी है, तो 1-2 सेशन आप जरूर लेके उनका देखिए, फिर अगर पसंद नहीं आए तो आप उसे क्विट कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइव सेशन है, मोर और लेस 1 आवर के, कोई 1 घंटे से 2-5 मिनट ज्यादा है, कोई 2-5 मिनट कम है। क्वांट का अगर प्री का मैं देखूं तो 6:15 PM है और मेन जो है वो 9:15 PM पर मेन की क्लास होती है। उसी तरह से आपकी रीजनिंग की जो प्री की है वो 7:45 PM है और मेन्स की जो क्लास होती है वो 11:30 AM पर मेंस की क्लास होती है। तो कुछ क्लासेस जरूर लेके देखिएगा, फिर अगर आपको पसंद नहीं आए तो छोड़ दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया सेशन चैनल पे आ रहा हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, फिर आपकी इच्छा है तो देखो, नहीं इच्छा तो मत देखो, या जब इच्छा है तब उसका रिकॉर्डेड देखो, राइट। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, और जाते जाते फिर जो इससे पहले जो वीडियो जो डला था उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि उसमें एक बड़ी जो टंग स्लिप मेरे से होगी सेकेंड और फर्स्ट शिफ्ट को लेके, जिसको अभी मैंने इस सेकेंड वीडियो में क्लेरिफाई किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट।